हेलो दोस्तों, रिवील हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी ने अकबर के बारे में तो सुना ही होगा। भारत के महान राजाओं में अकबर की गिनती होती है, लेकिन आज मैं आपको अकबर से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे शायद आप अकबर से नफरत करने लगे। तो चलिए जानते हैं वो कहानी क्या थी। हुमायूं के देहांत के बाद अकबर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुआ। अकबर बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। पूरे हिंदुस्तान पर वो हुकूमत करना चाहता था। अपनी विशाल सेना के बल पर उसने कई राज्यों पर कब्जा भी कर लिया था। अब उसकी नजर थी राजस्थान पर। राजस्थान में प्रमुख राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ की आन बान और शान था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ का प्राण था। चित्तौड़गढ़ पर जीत हासिल करना यानी पूरे मेवाड़ पर जीत हासिल करना। बादशाह अकबर की नजर अब चित्तौड़गढ़ पर थी। अकबर ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। यह खबर गुप्तहरों के जरिए राणा उदय सिंह को पता चली। राणा उदय सिंह ने सभी सरदारों की बैठक बुलाई। राणा उदय सिंह अकबर से दो हाथ करना चाहता था, यानी युद्ध करना चाहता था, पर कुछ सरदार उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना भी सही था, क्योंकि अकबर की विशाल सेना के सामने चित्तौड़गढ़ की सेना बहुत ही कम थी। अगर युद्ध हुआ तो चित्तौड़गढ़ की हार निश्चित थी, फिर क्यों नाहक सैनिकों का खून बहाना। पर राणा उदय सिंह ने किसी की नहीं सुनी। राणा उदय सिंह शरण जाने के बजाय प्राण निछावर कर देने के लिए तैयार था, और उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। राणा उदय सिंह के पास केवल 8,000 सैनिक थे, जबकि अकबर के पास 50,000 की सेना थी। सरदारों ने राणा उदय सिंह को समझाया कि वे गुप्त मार्ग से परिवार को लेकर सुरक्षित निकल जाए, किले की रखवाली वो करेंगे। मेवाड़ की रक्षा के लिए राणा उदय सिंह को न चाहते हुए भी गुप्तहर मार्ग से पलायन करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ की ओर से राणा उदय सिंह के सरदार जयमल राठौड़, फतेह सिंह और रजपूत सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन 8,000 सैनिक 50,000 सैनिकों से कब तक लड़ पाते। आखिर में कई रजपूत सैनिक शहीद हुए और चित्तौड़गढ़ अकबर के कब्जे में आ गया। लेकिन जब अकबर को पता चला कि राणा उदय सिंह तो अपने परिवार को लेकर पलायन कर चुका है, तब वह आग बबूला हो गया। अकबर बहुत ही क्रोधित हो चुका था। अकबर ने क्रोध में आकर किले में रहने वाले 30,000 मासूमों की हत्या करवा दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। किले से खून की नदियां बहने लगी। सारा चित्तौड़गढ़ उद्वस्त हो चुका था, वैभव मिट्टी में मिल चुका था। सूर्य चिन्ह की ध्वजा उतर चुकी थी, मोगलों का हरा निशान लहरा रहा था। अगर चित्तौड़गढ़ पर कुछ बचा था तो वो बहादुर रजपूत सैनिकों का खून और रणंगाव के जौहर करने के बाद उनके देह की राख। सभी मुगल शासकों में से अकबर को सबसे अच्छा राजा माना गया है। अकबर ने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, पर इस वजह से हम उसकी इस गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 30,000 मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? अकबर ने क्रोध में आकर 30,000 लोगों की बलि चढ़ा दी। उसने सही किया या गलत, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और हाँ, आगे मैं महाराणा प्रताप और अकबर से जुड़ी रहस्यमयी और रोचक कहानी लेकर आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।